हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे क्लास एट एक्सरसाइज 3.3। 3.2 तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। आपको ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। डेफिनेशन और प्रॉपर्टी का यूज करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। अब देखते हैं फर्स्ट क्या है, ए डी। ए डी दे रखा है तो ये किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसीलिए क्या बोलेंगे, ए डी किसके इक्वल आएगा, बी सी के इक्वल। नेक्स्ट है एंगल डी सी बी। डी सी बी कहाँ पे एंगल बनेगा, हमारे पास सी पे एंगल बनेगा। अब इसके सामने का एंगल क्या है, अपोजिट में इसके क्या एंगल आएगा, ए आएगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे, एंगल डी ए बी। डी सी बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ओ सी। ओ सी हमारा किसके इक्वल होगा, ओ ए के इक्वल होगा। सिंस डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को कट करते हैं, और बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मीन्स हाफ में डिवाइड करना, तो उसको बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है मेजरमेंट। एम हमारे पास होता है मेजरमेंट के लिए। मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ए बी। डी ए बी मीन्स हमारे पास ये वाला एंगल है, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी डी ए। सी डी ए और एक ये एंगल है, इन दोनों एंगल्स का सम हमारे पास कितना आएगा, 180। रीजन एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट क्या होता है, एक दूसरे से अटैच है जो हमारे पास, जैसे हमारे पास ये है, ये दोनों हमारे पास क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। इसी तरह से ए और बी भी हमारे पास एडजेसेंट एंगल है, एंड एंगल बी और सी एडजेसेंट एंगल है। सी और डी भी एडजेसेंट एंगल होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट क्या है सेकंड की, कंसीडर द पैरेललोग्राम। हमें एक पैरेललोग्राम कंसीडर करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, और उसके अंदर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हमें गिवन में क्या है, हमें सिर्फ एंगल बी दिया हुआ है, तो हम क्या बोल देंगे, एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे हमारे पास। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। किसी भी, कोई भी हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स हैं, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। एंगल बी हमें गिवन है 100 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल सी को इधर रखेंगे, 100 को अपोजिट साइड लेके आए, 180 माइनस 100 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 80। इसी तरह फिर हमारे पास एक्स 80 है, एक्स के अपोजिट में एंगल क्या है हमारे पास, जेड। जेड इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री। सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल हमेशा पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, तो हमारे पास z इज इक्वल टू x हो गया, और x हमारे पास अभी क्या आया था, 80 डिग्री। इसी तरह से एंगल b इज इक्वल टू एंगल d। अगर हमारे पास एंगल b इज इक्वल टू एंगल d है, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 100। इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में आपको दिया हुआ है, फिगर दी हुई है। फिगर में से हम देखते हैं, हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई एंड जेड। अब हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x को इधर रखेंगे, 50 को अपोजिट साइड लेके आए, 180 माइनस 50, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 130 डिग्री। अब हमारे पास x आ गया और 50 हमें दिया हुआ है। दूसरा हमें y और z निकालना है। y और z निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू z हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास कैसे होते हैं, जैसे हमारे पास ये लाइंस हैं, इनसे अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखते हैं, तो सेम साइड में देखो ये जो एंगल्स हैं, ये क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग। इधर जो एंगल बनेगा
इसी तरह इससे इधर जो एंगल बनेगा ये दोनों क्या हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड हमारे पास क्या हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक्स हमारे पास 130 डिग्री है, इसी तरह जेड भी हमारे पास क्या होगा 130 डिग्री। और उसके बाद हमारे पास वाई, अब एक्स है, एक्स के अपोजिट साइड में हमारे पास क्या है वाई है, तो एक्स इज इक्वल टू वाई अल्टरनेट एंगल, इसको हम क्या बोल सकते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल हमारे पास एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 130 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, ये आपको फिगर दी हुई है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स हमारे पास देखते हैं, ये हमारे पास जो सिंबल दे रखा है ये किसका है 90 डिग्री का सिंबल है, तो हमारे पास एक्स वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे और एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 90 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 90 वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट इट मीन्स इसके अपोजिट में जो एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन जाएगी, ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री, इट मींस एंगल एक्स प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180 आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। अब एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 90 प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180, वाई इज इक्वल टू 180, 90 प्लस 30 120, इसको इधर लेके आएंगे क्या आ जाएगा माइनस 120, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60। अब वाई हमारे पास 60 है, वाई का अगर हम अल्टरनेट एंगल देखते हैं तो कौन है जेड है, तो जेड इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री क्या हो जाएगा उसका अल्टरनेट एंगल। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, ये फिगर दी हुई है आपको, फिगर के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं जेड और एक्स और वाई ये फाइंड करेंगे। अब हमारे पास जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 80, क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है सेम साइड में है ना हमारे पास, ये भी नीचे की साइड बना हुआ है, इस लाइन से नीचे की साइड है, ये भी इस लाइन से नीचे की साइड है, इसलिए हम इन दोनों को क्या बोल रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जेड इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 80 डिग्री, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब हमारे पास एडजसेंट एंगल कौन कौन होंगे, एक्स प्लस 80, एक्स प्लस 80 इज इक्वल टू 180, एडजसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, हमने पढ़ा था ये, एक्स इज इक्वल टू 180, 80 को इधर लेके आएंगे, 180 में से 80 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास 100, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई 100, एक्स हमारे पास 100 है, वाई हमें फाइंड करना है, तो वाई हमारे पास क्या हो जाएगा अपोजिट एंगल हो जाएगा, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 80, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 80। नेक्स्ट है ये आपको फिगर दी हुई है एक्स वाई जेड, ये हम फाइंड करेंगे, हमारे पास वाई है, वाई का अपोजिट एंगल क्या है 112, तो क्या लिखेंगे वाई इज इक्वल टू 112, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। उसके बाद हम एक्स फाइंड कर देंगे, जैसे ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो जाएगी और एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है 180, इट मींस एंगल एक्स प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल टू 180, 40 एज इट इज, वाई की वैल्यू हमने फाइंड की थी 112 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स को एज इट इज रखेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करके इधर लेके आए माइनस 152, 180 में से 152 माइनस कर दिया, एक्स की वैल्यू आई हमारे पास 28 डिग्री, एक्स हमारे पास 28 डिग्री है, एक्स का अल्टरनेट एंगल कौन है जेड है, तो जेड भी हमारे पास क्या हो जाएगा अल्टरनेट एंगल्स लिख के जेड भी हमारे पास कितना आ जाएगा 28 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम, हम क्या हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ड्रॉ कर सकते हैं इन्हें बी ए पैरेललोग्राम, जो एक पैरेललोग्राम है इफ एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, जिसके दो एंगल्स का सम क्या दे रखा है 180, एंगल डी और एंगल बी, अगर हम ड्रॉ करके देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये है हमारे पास एक, मान लिया हमने ऐसे ड्रॉ किया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा ए बी सी डी, ये चार पार्ट्स हो गए हमारे पास है। अब एंगल डी प्लस बी, एंगल डी प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम हमें क्या दे रखा है 180 डिग्री,
देखते हैं, 4 एंगल डी प्लस बी इज इक्वल टू 180, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में बी ए पैरेललोग्राम, ये बोल रखा है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है वो में भी हो सकता है कि एक वो पैरेललोग्राम हो, अगर वो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम उसको क्या बोल देंगे कि पैरेललोग्राम। कंडीशंस हमारे पास क्या क्या है, फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास द सम ऑफ मेजर ऑफ एडजस्टेंट एंगल शुड बी 180 डिग्री, कि जो दो एडजस्टेंट एंगल्स हैं उन दोनों का सम हमारे पास क्या आ जाए 180 डिग्री। एडजस्टेंट एंगल्स मीन्स एंगल ए एंगल डी, एंगल ए एंगल बी, एंगल बी और सी, सी और डी, इसी तरह हम बोलते हैं एडजस्टेंट एंगल्स उनको। नेक्स्ट है अपोजिट एंगल शुड ऑल्सो बी ऑफ सेम मेजर, कि जो हमारे पास अपोजिट एंगल्स हैं वो हमारे पास से इक्वल आ जाए, कि एंगल डी और एंगल बी एक दूसरे से इक्वल हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ ये हमारे पास क्या हो गया एक पैरेललोग्राम। बट हमारे पास कंडीशन है ए बी सी डी, कैन बी, हो सकता है कि ए बी सी डी हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो, बट नीट नोट बी ए पैरेललोग्राम, बट ये जरूरी नहीं है कि ये एक पैरेललोग्राम होगा, हो सकता है किसी कंडीशन में, लेकिन हम इसको कंप्लीटली श्योरली ये नहीं बोल सकते कि ये एक पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट है इसी तरह सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है आपको, ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, आपको दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। हम ड्रॉ करके देखते हैं एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी। ए बी हमें कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और डी सी भी हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, ए डी हमारे पास है 4 सेंटीमीटर एंड बी सी हमारे पास है 4.4 सेंटीमीटर। देखते हैं हम पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स अगर इक्वल होती हैं तो ए बी इज इक्वल टू डी सी, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बट दूसरी साइड देखते हैं ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों इक्वल नहीं है, अगर ये इक्वल नहीं है तो ये पैरेललोग्राम भी नहीं है। गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू डी सी, दोनों इक्वल है 8 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 4 एंड बी सी इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर इन ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं हेयर, बट यहाँ पर ए डी है वो नॉट इक्वल टू बी सी है, सो ए बी सी डी कैन नॉट बी ए पैरेललोग्राम, इसीलिए ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। नेक्स्ट है एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। अब इसमें देखते हैं हम, एंगल ए हमें 70 डिग्री दे दिया और एंगल सी हमें 65 डिग्री दे रखा है, बट ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ तो एंगल इक्वल नहीं है, एंगल ए और एंगल सी इक्वल नहीं है, एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर नॉट इक्वल, इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो क्या बोल देंगे ए बी सी डी नॉट ए पैरेललोग्राम, की जो ए बी सी डी है वो एक पैरेललोग्राम नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जो ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, हमें एक रफ फिगर ड्रॉ करनी है क्वाड्रिलेटरल की, दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम नहीं है, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल मेजर, बट उसकी कम से कम दो अपोजिट साइड हैं वो इक्वल मेजरमेंट दे रही हैं। तो देखते हैं हम एक ड्रॉ करते हैं ए बी सी डी, हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया, उसके अंदर एंगल ए और एंगल सी हमने 110 डिग्री के ड्रॉ कर दिए। अब हमारे पास ये दोनों साइड इक्वल हैं और ये जो साइड है ये इसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, लेकिन हम एंगल डी और एंगल बी को इक्वल नहीं बोल सकते। अगर ऐसा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, देयर फॉर इट कुड बी ए काइट, तो वो किसकी शेप में होगा, एक काइट की शेप में होगा और एक काइट बोल देंगे हम उसको। नेक्स्ट है द मेजर ऑफ टू एडजस्टेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है उसका उसके एडजस्टेंट एंगल्स दे रखे आपको 3:2 में, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के एंगल्स फाइंड करेंगे हम, मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल्स।
अब हमारे पास ये फिगर है, इसके एडजेसेंट एंगल्स हैं, इट मीन्स ये हमारे पास दोनों एंगल ले लिए, 3x हो गया, एक 2x हो गया, लेट इट टू एडजेसेंट एंगल्स बी 3x एंड 2x, सिंस द एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180, 3x प्लस 2x क्या आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 5 को डिवाइड में लेके आएंगे, 5 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास 36 डिग्री, फर्स्ट एंगल हमारे पास क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई x था, x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 36 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास क्या आएगा, 108 डिग्री, एंड अनदर एंगल, दूसरा एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x था, 36 मल्टीप्लाई 2, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 72 डिग्री। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ओके, थैंक यू।